हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माई यूट्यूब माइंड मैपिंग जीके सो गाइस ये पार्ट वीडियो है फ्लोरा एंड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट वन में हमने फ्लोरा एंड फ्यूनाफ जे एंड के की डिटेल स्टडी की थी और पार्ट टू में हम इसके ट्वेंटी मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज पढ़ेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन है हमारे पास विच टर्म इज यूज टू डिनोट एनिमल स्पीशियज ऑफ ए पार्टिकुलर रीजन आर पीरियड किसी भी पार्टिकुलर रीजन में जो भी एनिमल स्पीशियज होते हैं उनको किस टर्म से रिप्रेजेंट किया जाता है सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी फूना फूना रेफर करता है ऑल एनिमल्स लाइफ को और जितने भी प्लांट्स लाइफ हैं उन सबको फ्लोरा रिप्रेजेंट करता है funa को फर्दर डिफरेंट कैटेगरीज में किया गया है सो so गाइज जितने भी टाइप ऑफ बर्ड्स हैं वो सभी एविफोना की कैटेगरी में आते हैं और जितने भी टाइप्स ऑफ फिशेज हैं वो सब पिस्कीफोना की कैटेगरी में आते हैं और जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया एंड वायरसेस वो सब माइक्रोफोना की कैटेगरी में आते हैं और जो भी अननोन एंड अनडिसकवर्ड एनिमल्स हैं वो सब क्रिप्टोफोना की कैटेगरी में आते हैं सो so गाइज जो भी मैं आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये सब अपने आप में क्वेश्चन uh, हैं वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखें एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी सो गाइज क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास द रेड डेटा बुक गिव्स डेटा ऑन रेड डेटा बुक हमें किस डेटा की इन्फॉर्मेशन देता है सो गाइज राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन ए इनडेंजर्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स तो गैस सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रेड डेटा बुक है क्या रेड डेटा बुक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सभी इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड स्टोर रखता है रेड डेटा बुक के अंदर उन सब प्लांट्स एंड एनिमल्स वगैरह की लिस्ट होती है जिनकी नस्ल खत्म होने के रिस्क पर है

उस सर्वे के मुताबिक रेड डेटा बुक में टोटल कितने स्पीशीज थे तो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी ट्वेंटी एट थाउजेंड थ्री हंड्रेड एंड थर्टी एट टू थाउजेंड नाइनटीन में आई ने टोटल स्पीशीज का सर्वे किया था जिनमें से ट्वेंटी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में थे जिनकी नस्ल खत्म होने का खतरा है और गाइज इन स्पीशीज की एक्सटेंशन का रीजन है डिफॉरेस्टेशन ओवर फिशिंग हंटिंग लैंड डेवलपमेंट वगैरह सो गाइज अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें सो गाइज क्वेश्चन नंबर फोर है हमारे पास

2009 स्नो लिपर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में 21 नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने स्नो लिपर्ड की एक्सटेंशन को रोकने के लिए प्रोजेक्ट स्नो लिपर्ड लॉन्च किया था 2009 में सो गाइस क्वेश्चन नंबर फाइव है हमारे पास जीरो जीरोस वेजिटेशन फाउंड इन विच रीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जीरो फेट्स वेजिटेशन जम्मू एंड कश्मीर के किस रीजन में पाए जाते हैं सो गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी लद्दाख रीजन सो गैस जीरो फेटिक वेजिटेशन वो प्लांट्स होते हैं जो लिमिटेड वाटर सप्लाई पर भी जिंदा रहते हैं और ग्रो करते हैं जीरो लद्दाख रीजन में पाए जाते हैं और इन प्लांट्स की जो स्पेशल करेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि ये कंजर्विंग वाटर प्लांट्स होते हैं यानी कि अगर काफी समय तक भी बारिश ना हो तब भी ये प्लांट्स जो है अपने अंदर वाटर को स्टोर रखते हैं

डी आल ऑफ दी अबो जम्मू एंड कश्मीर का जो स्टेट एनिमल है वो है हंगल। और कहा हंगल को कश्मीरी स्टैग भी बोलते हैं और कश्मीरी रेड हंगल को कहा जाता है इसमें ऊपर वाले तीनों ऑप्शंस ठीक है इसलिए ऑफ दी राइट आंसर है इसका आप एग्जाम में जो भी ऑप्शंस दिए गए होंगे उनके हिसाब से आंसर सिलेक्ट करना सो गाइस क्वेश्चन नंबर टेन है हमारे पास पासवास दी प्रोजेक्ट हांगुल इनिशियटिव प्रोजेक्ट हांगुल कब स्टार्ट हुआ था सो so गाइस राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी नाइनटीन सेवेंटी में प्रोजेक्ट हांगुल स्टार्ट हुआ था सो so गाइस ये टोटल फाइव ईयर का प्रोजेक्ट था और इस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट थी वन पॉइंट सिक्स सेवन सेवन करोड़ और गाइस डचिगम नेक्स्ट

क्वेश्चन नंबर में भी डिस्कस किया था तो राइट right आंसर है इसका ऑप्शन सी फ्लोरा फ्लोरा जो है वो रिप्रेजेंट करता है प्लांट्स लाइफ को किसी भी पार्टिकुलर रीजन के अंदर जो भी प्लांट्स पाए जाते हैं है. so है, कौन सा जानवर है जिसका शिकार किया जाता है परफ्यूम्स बनाने के लिए बिकॉज ऑफ इट्स राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी मस्क डियर सो गाइज अगर आपने पार्ट वन वीडियो नहीं देखा फ्लोरा एंड का तो पहले वो भी देख लें पार्ट वन में हमने डिटेल में आल फ्लोरा एंड को कवर किया है जो भी जम्मू कश्मीर के अंदर फ्लोरा एंड फ्लोराइंड पाए जाते हैं उन सब की हमने डिटेल स्टडी की है अगर पार्ट वन नहीं देखा है तो पार्ट वन भी देख लें सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इज हैार्जेस्ट विल्ड गोट इन वर्ल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट गोट कौन सा है सो गाइज राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी पीर पंजाल मारखोर और इसका दूसरा नाम है स्क्रू हॉर्न गोट आर स्क्रू स्क्रॉर्न तो गाइज मारखोर जो है ये नेशनल एनिमल भी है पाकिस्तान का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे हमारे पास इन विच ईयर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया किस ईयर में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था इंडिया में सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन डी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया नाइन सेवन में वील्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था इंडिया में सो गाइन सेप्टेम्बर नाइनटीन सेवेंटी टू को ये पास हुआ था क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन है हमारे पास वॉट इज दाइंटिफिक नेम ऑफ स्नो लिपर्ड स्नो लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या है सो गैस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए पेंथरा अंसिया

बर्ड जो है वो कौन सा है सो गायस राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए कश्मीर फ्लाई कैचर सो गायस क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी है हमारे पास हाउ मेनी टोटल कैटेगरीज ऑफ रेड रेड लिस्ट लिस्ट में कितनी टोटल कैटेगरीज है सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी सेवन कैटेगरीज तो मैंने सबके नाम भी हाँ पे लिख दिए हैं आप चाहे तो इनको याद भी रख सकते हैं सो so गायस अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है इट इटमीन्स की आपको वीडियो पसंद आया है अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें बिकॉज सब्सक्रिप्शन से ही आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलने वाली है तो आज के लिए बस इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग